अब चलिए एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए सांसद रितेश पांडे। सुनील बंसल से मुलाकात कर रहे हैं इस समय रितेश। कुछ देर बाद बीजेपी में शामिल होंगे सांसद रितेश पांडे। अंबेडकर नगर से बीएसपी के सांसद हैं रितेश पांडे। अंबेडकर नगर से ही बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। रितेश पांडे ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा उन्होंने मायावती को भेज दिया था और उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब खबर यह है कि सुनील बंसल से मुलाकात हो रही है रितेश पांडे की और कुछ ही देर में ये बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बात यह है कि इनकी सीट जो है वो नहीं बदलेगी। ये खबर भी निकलकर सामने आई है कि अंबेडकर नगर से बीएसपी के सांसद हैं और जब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो फिर इनको अंबेडकर नगर से ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस्तीफा अपना भेज दिया है, इस समय मुलाकात चल रही है, कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो 24 के चुनाव से पहले ये एक बड़ा मूव है। दरअसल ये जो रितेश पांडे हैं जिनको आप देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले ही इनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे जब इन्होंने पीएम मोदी के साथ कैंटीन में, संसद की कैंटीन में लंच किया था। लोग कहने लगे थे दबी जुबान में कि चुनाव से पहले कोई बदलाव हो सकता है, बीएसपी का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आई कि रितेश पांडे जो हैं वो अब बीएसपी में नहीं रहेंगे, बीजेपी में शामिल होंगे, कुछ ही देर में वो शामिल हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नए अपडेट की ओर। बीएसपी छोड़ने वाले नेताओं पर मायावती ने जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, जिस कारण इस पार्टी की नीति कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारा जाता है। अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा है, क्या आपने क्षेत्र में पूरा समय दिया है, साथ ही क्या उन्होंने पार्टी मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन किया है। ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट जाना क्या संभव, खासकर तब जब वे स्वयं अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं और नेगेटिव चर्चा में मीडिया द्वारा ये सब कुछ जानने के बावजूद इसे पार्टी की कमजोरी के रूप में प्रचारित करना अनुचित है। बीएसपी का पार्टी हित सर्वोपरि है। अब ये हमने आपको पूरी खबर बता दी। संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास लिए चलते हैं। संजय त्रिपाठी, ये जो मायावती का पोस्ट है, इज्जत बचाने की कोशिश है? बिल्कुल, जिस तरह की बात उन्होंने लिखी है उनमें उन्होंने रितेश पांडे का नाम नहीं लिखा है। रितेश पांडे उनकी पार्टी के सांसद हैं और अब खबरें आ रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे में मायावती ने जो अपनी बात है उसको ट्विटर के माध्यम से रखा है। उन्होंने सवाल किए हैं कि क्या नाम तो नहीं लिया रितेश पांडे का, लेकिन उन्होंने ओवरऑल सभी सांसदों से ये सवाल किया है कि क्या अपने क्षेत्र का वो ख्याल रखते हैं, क्या वे अपने जो मतदाता हैं, अपने क्षेत्र के मतदाता हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट है उसके हित में जो समय समय पर दिशा निर्देश दिए गए थे इनका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही है और ये बड़ा झटका बहुजन समाज पार्टी के लिए है। जिस तरह से रितेश पांडे बसपा छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक करारा वार कहा जाएगा मायावती पर, और उसी का जवाब, उसी का पलटवार मायावती ने ट्विटर के माध्यम से दिया। तो 24 में अंबेडकर नगर सीट से तो फायदा पहुंचेगा ही, क्योंकि बीजेपी ने यही सारा अपना गुणा गणित बिठा के जमीन पर रिसर्च करके उसके बाद सोच समझ कर सोचा होगा कि बीएसपी के कैंडिडेट को अगर यहाँ हम मिला लेते हैं तो 24 के चुनाव में सीधा फायदा होगा, 80 का जो टारगेट है उनको छूने में मदद मिलेगी इससे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है कि सभी जो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, वहाँ बहुत मजबूत प्रत्याशी खड़े किए जाएं, भले ही वो किसी दूसरी पार्टी के चेहरे क्यों ना हो। तो जो रितेश पांडे है उनके लिए अंबेडकर नगर की सीट को मुफीद बताया गया, हालांकि उनका नाम सुल्तानपुर की सीट से भी चर्चा में है। पार्टी नेतृत्व क्या फैसला करता है इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। बहरहाल ये एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जा रही है। रितेश पांडे बीजेपी में आ रहे हैं और उनके पिता राकेश पांडे जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और अभी जब लोकसभा राज्यसभा का जब चुनाव होना है तो उसमें उनका इस वक्त रितेश पांडे का साथ जोड़ने का मतलब सीधा तौर पर एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वोट भी भाजपा के खाते में जाएगा। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी दफ्तर, वहां पर नीरज पांडे मेरे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। क्या हलचल है, कितनी देर में शामिल हो सकते हैं, इसकी जानकारी नीरज पांडे देंगे। राकेश का कितनी देर में, माफ कीजिए रितेश कितनी देर में शामिल होंगे नीरज?
बिल्कुल विवेक, मैं आपको बता दूं कि रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप से वो शामिल हो जाएंगे। ऑलरेडी वो थोड़ी देर पहले ही वो पहुंचे थे, सुनील बंसल से उन्होंने मुलाकात की, सुनील बंसल के साथ उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, कुछ गहन मंथन हुआ और उसके बाद वो भाजपा मुख्यालय में फिलहाल मौजूद है। माना जा रहा है थोड़ी देर में वो भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल जाएंगे, लेकिन जैसा संजय बता रहे थे बड़ा मूव है। देखिए, अम्बेडकर नगर ब्राह्मण बाहुल सीट है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जीत दर्ज की, 5 साल से वो सांसद है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जो ऑलरेडी सांसद है उसकी अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाया जाए और रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भाजपा का अपना वोट बैंक और प्लस उनका अपना खुद का नेटवर्क दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि नए कैंडिडेट को उतारने से रितेश पांडे को ही पार्टी में शामिल कराया जाए और उन्हें ही चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। ठीक है नीरज, आप पार्टी दफ्तर में रहिए, नजर बनाए रखिए कब शामिल हो रहे हैं, अपडेट हमें देते रहिएगा। 80 जो सीटों का सपना पूरा करना है यूपी में बीजेपी को, ये उसी के वजह से किया गया। अपडेट हम आपको देते रहे। एक बड़ी अपडेट, बंगाल में संदेश खाली पर बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बड़ी खबर यह है कि बंगाल में फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोका गया है, संदेश खाली जाने से टीम को रोका गया है। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच करने जा रही थी ये टीम, उसे रोक दिया गया। भोजरहाट में फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोका गया है, उसी की तस्वीरें ये जो आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। धरने पर फैक्ट फाइंडिंग टीम को हिरासत में लिया गया, वो धरने पर बैठे थे, धरने पर जब बैठे तो धरने पर बैठी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसको हिरासत में ले लिया गया। तो ये हम आपको भोजरहाट से आई तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार सुनिए जरा क्या कह रही हैं ये, उसके बाद आगे की जानकारी देता हूँ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बंगाल में संदेश खाली पर बवाल थमता हुआ नजर अभी भी नहीं आ रहा है। बंगाल में फैक्ट फाइंडिंग की टीम गई थी और उन्हें रोक दिया गया है। संदेश खाली का सच क्या है ये जानने के लिए गए थे, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच करने के लिए ये टीम वहां पर पहुंची थी, लेकिन भोजरहाट में फैक्ट फाइंडिंग की टीम को रोका गया। फैक्ट फाइंडिंग की टीम को जब रोका गया तो इस टीम के सदस्य धरने पर बैठ गए, जब धरने पर बैठ गए तो अब इन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब दो तस्वीरें देख लीजिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक में धरने पर बैठी हुई टीम है और दूसरे में जब उन्हें हिरासत में लिया गया था उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो गए सांसद रितेश पांडे, अंबेडकर नगर से सांसद हैं ये रितेश पांडे, बीएसपी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, जो लगातार वो खबर हम बता रहे थे। सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज ने बताया कि रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस्तीफा भेज दिया है। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं ये देखिए, वहां पर आपको तरुण चुग दिख रहे हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बीच में रितेश पांडे ने बीजेपी की सदस्यता अब ग्रहण कर ली है। अंबेडकर नगर से आते हैं, वहां के उम्मीदवार थे, सांसद थे और अब इन्हें बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं, बड़ी बारीक जानकारियां इनके बारे में दे रहे हैं। संजय, ये यूपी में बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाएंगे रितेश पांडे, इसको बताइए जरा। देखिए, ब्राह्मण बहुल सीट पर इनको उतारा जा सकता है अंबेडकर नगर की, और वहां से भारतीय जनता पार्टी के अगर चुनाव की बात करें तो रितेश पांडे एक बड़ा चेहरा होंगे, तो उन पर दांव लगाने में भारतीय जनता पार्टी का मुनाफा ज़्यादा है। तो ऐसे में जब ये बसपा छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं तो ये भाजपा की एक बड़ी जीत कही जा रही है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों पर ऐसे ही मजबूत प्रत्याशी जो उतारने हैं उसके क्रम में रितेश पांडे एक बड़ा नाम है। उनके पिता राकेश पांडे भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, तो एक उनके प्लस पॉइंट ये भी है कि उनके साथ में उनके जो पिता हैं उनका भी समर्थन है, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो ऐसे में एक मजबूत प्रत्याशी माना जा रहा है रितेश पांडे को, और बहुजन समाज पार्टी में जब आप याद होगा 2019 का चुनाव था तो उस वक्त चुनाव वो जीते थे, और अंबेडकर नगर की महत्वपूर्ण सीट पर एक ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है जो उस सीट को जिताने का बूता रखता है। तो ये जो रितेश पांडे को लाने का कार्यक्रम है ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और अभी ये एक ही सांसद है, अभी कई नाम और चल रहे हैं दूसरे दलों के जो भारतीय। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, रितेश पांडे शामिल होने के बाद संबोधित कर रहे हैं, जरा उनको सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी, सह मीडिया प्रभारी आदरणीय संजय मयूख जी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री तरुण चुग जी,
मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण करवाई है और मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप लोगों में बड़े प्रेम और सम्मान के साथ जोड़ा है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूं। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दो दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ तमाम आवास, 40,000 से ज़्यादा आवास और की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इससे प्रभावित होकर के लोकसभा के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक फोर लेन की बात रही हो और चाहे वो अंबेडकर नगर में रिंग रोड बनाने की बात रही हो, हमारे क्षेत्र को विकसित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। मैं इसी के साथ साथ आदरणीय नड्डा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस परिवार में जगह दिया है और उसी के साथ साथ मैं देश के गृहमंत्री जी का जिन्होंने निरंतर मुझे इस पूरी जर्नी में अपना गाइडेंस देने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तन्मयता से प्रदेश और देश की उन्नति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, अपने जिले के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों को जिताने के लिए पूरी मेहनत और पूरी ताकत से मैं काम करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अंडे को आप सुन रहे थे, बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं, अब इनको लिखना पड़ेगा बीजेपी नेता। पहले ये बीएसपी में थे, अब उन्होंने इस्तीफा भेज दिया और अब बीजेपी में शामिल हो गए रितेश पांडे, बीजेपी नेता। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो बीजेपी का धन्यवाद, उन्होंने अमित शाह का धन्यवाद किया, तन्मयता से काम करूंगा ये कहा और बड़ी बात ये कही कि विपक्ष में रहने के बावजूद जब भी हम कोई अर्जी लेकर आए तो हमारा काम पूरा हुआ, हमारे इलाके का काम पूरा हुआ, इसलिए वो शामिल हो गए हैं। 400 प्लस के सपने को पूरा करेंगे, अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बड़ी अपडेट आ रही है राजधानी दिल्ली से ही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम रोकने पर यह प्रदर्शन है। पानी के बढ़े बिलों को ठीक करने के लिए यह स्कीम लाई जा रही है। बीजेपी पर स्कीम लागू नहीं करने का आरोप है और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले से यह तय था कि आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी, खबर यह भी आई थी कि इसमें केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं। पूरा मामला यह है कि पानी के जो बढ़े हुए बिल हैं उनको ठीक करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दिल्ली में लेकर आई जा रही थी। अब आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ये स्कीम जो है वो लागू नहीं होने दे रही है। आजातिका हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई है। आजातिका, अभी प्रदर्शन चल रहा है, क्या आज केजरीवाल इसमें शामिल होंगे? तो आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नारेबाजी हम आपको दिखा रहे हैं। मामला क्या है? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, पानी के जो बढ़े हुए बिल हैं उसको ठीक करने के लिए लाई जा रही थी
अब उसमें आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ये होने देना नहीं चाहती है, इसी को लेकर सड़क पर उतर आए हैं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। नारेबाजी हो रही है, वहां क्या नारेबाजी हो रही है एक बार सुनिए, फिर आगे की जानकारी मैं आपको देता हूं। वरुण जैन जुड़ गए हैं हमारे साथ, लगातार ग्राउंड पर वो बने हुए हैं और प्रदर्शन पर रिपोर्ट कर रहे हैं। वरुण, क्या आज अरविंद केजरीवाल भी इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं और क्या मांगे हैं इनकी, जरा ये भी बताइए। देखिए बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर पहुंचकर इस प्रदर्शन के अंदर शामिल होने का पूरा कार्यक्रम है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर ही मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ शुरू हो गए हैं। हालांकि 11 बजे का जो संख्या है वो कुछ सैकड़ों के अंदर, करीब 200-300 कार्यकर्ता ही अभी तक यहां पर पहुंचे हैं। पुलिस ने जरूर अपने बंदोबस्त कर रखे हैं, अगर सामने कैमरामैन अगर दिखाए, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है उसकी कॉल यही है कि जो आगे बीजेपी मुख्यालय है उस तरफ कार्यकर्ता कूच करेंगे और अपना प्रोटेस्ट जाहिर करेंगे। मांग यही है कि राजधानी दिल्ली में जो बड़े हुए पानी के बिल है, तो बड़े हुए जो पानी के दाम है उनको ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी योजना लेकर आ रही थी, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। आरोप है कि बीजेपी नहीं होने देना चाहती। ये हमने आपको दिखाया दिल्ली में क्या है सियासी फिजा का हाल। ABP News, आपको रखे आगे।